दोस्तों अस्सलाम वालेकुम आदाब, आपका हार्दिक स्वागत है नोबल रील के इस विशेष प्रोग्राम में, जिसमें हमारे साथ में हैं डॉक्टर सलीम खान साहब जो कि मशहूर कॉलम निगार हैं, और हम उनसे बातचीत करेंगे नवाब मलिक साहब की इस गिरफ्तारी पर और यूपी में चल रहे चुनाव पर। डॉक्टर सलीम खान साहब, अभी हमने देखा है कि डॉक्टर नवाब मलिक साहब की गिरफ्तारी हो गई, ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और उन पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम जो कि अंडरवर्ल्ड डॉन है उनके उनके साथ में ताल्लुकात थे। लेकिन इसी के साथ साथ पैरेलल हम ये देखते चले आ रहे हैं कि एबीजी ग्रुप नाम की जो एक कंपनी है उसका 23,000 करोड़ का बैंक का घोटाला हुआ, बैंक का पैसा लेके वो बैठा हुआ है, लेकिन क्योंकि वो सूरत से है तो अभी तक की कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरीके से बीजेपी के ही एक नेता एकनाथ खड़से, जिन पर कई साल पहले इल्जाम लगा था कि उनके भी दाऊद इब्राहिम के साथ ताल्लुकात हैं, लेकिन कोई भी चर्चा आज तक नहीं होती है और वो बात को दबा दिया गया। लेकिन नवाब मलिक साहब की अचानक से गिरफ्तारी कर ली जाती है, उनको इन्फॉर्म भी नहीं किया जाता, उनको उठा लिया जाता है जैसे कि वो एक छोटे मोटे नेता या एक आम कार्यकर्ता हो, आपको नहीं लगता है कि ये इस तरीके का दोहरा रवैया क्यों? क्या उनके साथ किसी तरीके की बदले की कार्रवाई की जा रही है? किस तरह देखते हैं आप इस घटना को? देखिए, आपने कई चीजें एक साथ पूछ ली जी। पहली चीज तो ये है कि पिछले हफ्ते एबीजी ग्रुप का जो है वो घोटाला सामने आया। ये हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा बैंक घोटाला है, जिसमें 22,800 जो है वो करोड़ का चूना जो है एक कंपनी ने एबीजी ने लगा दिया। अब ये है कि उसका जो मेन कर्ता धरता है जिसका नाम ऋषि अग्रवाल है, उसका संबंध सूरत से है और उसका ताल्लुक जो है वो एसआर ग्रुप की जो फैमिली है उससे भी है, और ये सब लोग जानते हैं कि एसआर ग्रुप से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जो एक ज़माने में वहाँ पर मुख्यमंत्री होते थे उनका बहुत करीबी ताल्लुक है। और ये बात भी ख़ास है कि ये कंपनी जो है वो बनी है 1985 में, लेकिन इसने बैंकिंग का काम जो है वो शुरू किया 2013 में। यानी आप देखिए कि मोदी जी जो है वो मुख्यमंत्री बनते हैं और उसके बाद ये जो है ये कंपनी एक्टिव होती है। उससे पहले तक जो है 2013 नहीं बल्कि 2003 में, तो मोदी जी 2002 में मुख्यमंत्री बने और ये कंपनी जो है उसने बैंकिंग का लोन शोन लेना शुरू किया। अब 2013 में ये कंपनी जो है वो एनपीए हो गई, यानी ये कि नॉन प्रॉफिटिंग हो गई। लेकिन उससे पहले जब मोदी जी जो है वो गुजरात के वाइब्रेंट गुजरात का प्रोग्राम करते थे तो ऋषि अग्रवाल उसमें बड़े बड़े वादे करता था। बल्कि एक खबर ये भी है कि जब मोदी जी कोरिया गए थे तो ऋषि अग्रवाल जो है उनके साथ डेलीगेशन में शामिल था। तो इससे ये पता चलता है कि ऋषि अग्रवाल के मोदी जी से जब वो मुख्यमंत्री थे अच्छे ताल्लुकात थे। अब ये कंपनी दोबारा 2016 में इसको रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश की गई, फिर एनपीए हो गई। और ताज्जुब की बात यह है कि जो कंपनी बार बार एनपीए हो रही है उसको जो है वो दुनिया भर का लोन मिल रहा है, स्टेट सरकारी बैंक भी उसको लोन दे रहा है, प्राइवेट बैंक भी उसको लोन दे रहा है। तो ऐसा तो कोई आम आदमी के साथ नहीं होता। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं उसको जो है वो पॉलिटिकल संरक्षण प्राप्त था, जिसकी वजह से उसके साथ ये मामला होता रहा। और अब वो जो है वो पानी सर से ऊपर हो गया, तब भी आप ये देखें कि उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। उससे पूछताछ चलती है, वो बड़े आराम से आता है और जो है वो जवाब दे के चला जाता है, और एक दिन हमको पता चलेगा कि वो देश छोड़ के चला गया, जैसे नीरव मोदी चला गया या मेहुल चौकसी चला गया या उससे पहले विजय माल्या चला गया। तो वैसे ये पंछी भी जो है वो उड़ जाएगा और फिर सरकार बोलेगी कि साहब हमने तो बड़ी कोशिश की लेकिन ये कि वो चला गया। तो ये खेल आप जो पूछ रहे हैं ऋषि अग्रवाल के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेता होता, इसलिए कि भाई जिसके साथ सरकार है उसके ऊपर सरकार एक्शन कैसे लेगी। बल्कि उससे पहले आप देखें कि अडानी जो पोर्ट संभालते हैं उसके पास कितने हजारों करोड़ की जो है वो हीरोइन पकड़ी गई, वो जो है वो अफगानिस्तान से आई थी, सारा देश जो है वो अफगानिस्तान को आतंकवादी देश कहता है, इसके बावजूद कोई गिरफ्तारी हुई ये मुझको नहीं पता। आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, मैंने तो नहीं पढ़ा, हो सकता है वही। डॉक्टर संजय, आपने बहुत बड़ी बात कही है कि एक आम नागरिक जब किसी बैंक से लोन लेने के लिए जाता है और वो पहले किसी लोन में डिफॉल्टर हो चुका होता है तो कोई भी बैंक उसको लोन नहीं देता है और कई लंबा प्रोसीजर होता है, उसके बाद भी उसको 1-2 लाख रुपए का भी लोन नहीं मिलता है। लेकिन हमारे सरकारी बैंक हमारे ही पैसे का लोन किसी एक ऐसी कंपनी को दे रहे हैं जो कि एनपीए है और वो पैसा नहीं चुका रहा है और दूसरे बैंक भी उसको लोन देते चले जा रहे हैं। 23,000 करोड़ एक बड़ी अमाउंट है, टैक्स पेयर्स का पैसा है, हमारी जमा पूंजी है, वो इन लोगों पर लुटाई जा रही है। तो ये किसी सरकारी संरक्षण के बगैर तो नहीं हो सकता।
देखिए, एक तो सारा सरकारी संरक्षण होता है, दूसरी चीज ये है कि विजय माल्या ने 9,000 करोड़ का बैंक से पैसा लिया, वापस नहीं किया। अब वो चला गया, उसको यहाँ से जाने के लिए सरकार ने पूरा फैसिलिटेट किया, वो दिल्ली से गया, उस वक्त सेशन चल रहा था। तो अब जो उस दूसरा जो घपलेबाज आदमी होता है वो पहले वाले से सबक सीखता है, अगर पहले वाले को सजा हुई तो वो होशियार हो जाता है, लेकिन अगर पहले वाले को सजा नहीं हुई बल्कि उसको सरकारी मदद से वो चला गया, उसको वापस लाने की बातें होती है, वापस नहीं आता, तो आप देखें कि नीरव मोदी ने उससे ज़्यादा का घोटाला किया, यानी 9,000 से वो 13,000 पे गया। अब जब नीरव मोदी भी चला गया, मेहुल चौकसी भी चला गया, उन लोगों ने बाहर की जो है वो सिटीजनशिप भी ले ली, तो अब ऋषि अग्रवाल ने सोचा यार कि जब वो लोग इतना कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, तो इसने उससे बड़ा घोटाला किया। तो आप ये देखिए कि जब ये सरकार जो है वो लोगों को जो इस तरह के डिफॉल्टर्स हैं, जो इस तरह के जो है वो घपलेबाज लोग हैं, उनको जब सजा नहीं देती है, उनको पकड़ती नहीं है, उनको भागने का मौका देती है, तो दूसरे लोगों का आप अगला जो है इसके बाद जो घपला होगा वो कितने करोड़ का होगा आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं, और मोटिवेशन मिल जाए। हाँ जी हाँ, डॉक्टर सलीम खान साहब, मैं गवर्नमेंट को इसके लिए क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, और हम गवर्नमेंट मोदी गवर्नमेंट का इसलिए नाम दे रहे हैं क्योंकि नीरव मोदी का जो आपने नाम लिया, मेहुल चौकसी का नाम लिया, यही हमारी मोदी गवर्नमेंट, यही मोदी गवर्नमेंट थी जो कि फॉर्म होने से पहले जो अंधा आंदोलन वगैरह चल रहा था इसी बात पे चला गया था कि कई हजारों करोड़ का डिफॉल्टर्स को छोड़ दिया जाता है और वो चले जाते हैं, मोदी जी ये जब सत्ता में आया उसके बाद ये लोग बाहर से निकल गए, तो मोदी जी ने आरोप लगाया कि ये कांग्रेस के टाइम का लोन दिया हुआ था। तो आज क्या खुद मोदी गवर्नमेंट कैटेगरी में तो खड़ी है ना कि ये जो एबीजी ग्रुप का है, ये तो उनके शासनकाल में हुआ, उनका करीबी है, वो क्यों नहीं इस चीज पर रोक लगा सकते, इसके मतलब कि गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट इस तरीके से फेल हो चुकी है पूरी तरीके से। एबीजी पे तो मोदी जी का आशीर्वाद उस वक्त भी था जब वो वहाँ पर मुख्यमंत्री थे, वो प्रधानमंत्री बन गए तो उसका वो आशीर्वाद और बढ़ गया। लेकिन आपको याद होगा कि मोदी जी ने ये ऐलान किया था कि अगर जो है वो हम पैसे ले आए वहाँ से स्विट्जरलैंड से, ब्लैकमेल ब्लैक पैसा वापस आ जाए तो हर आदमी को कितना रुपया मिलेगा, 15 लाख रुपया मिलेगा। अभी जो लेटेस्ट गवर्नमेंट के नंबर्स है उसके मुताबिक जो है वो स्विस बैंकों में हिंदुस्तानियों का पैसा बढ़ गया, पहले से ज्यादा हो गया, ज्यादा बढ़ गया। तो बात तो हो रही थी उस पैसे को वापस लाने की, और हो ये रहा है कि जो पैसा यहाँ था वो यहाँ से बाहर जा रहा है, और पहले तो खाली पैसा जाता था, अब जो है वो जो लोग डिफॉल्टर से वो भी भाग भाग के जा रहे हैं। बल्कि एक खबर तो ये भी है, उसकी पुष्टि नहीं हो सकी, कि ऋषि अग्रवाल के पास सिंगापुर की सिटीजनशिप है, लेकिन ये कि ये सिर्फ खबर है, हो सकता है सही हो या हो सकता है गलत, सोशल मीडिया की कोई खबर। जी हाँ असलम साहब, फिर से हम नवाब मलिक साहब के मुद्दे पर आ जाते हैं कि ये बहुत ही हॉट मुद्दा है कि नवाब मलिक साहब को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, ये एक कोई छोटे नेता नहीं है या किसी तरीके का कार्यकर्ता नहीं है कि पुलिस आती है और उनको उठा लेती है, क्या आपको नहीं लगता है कि ये बदले की कार्रवाई है, क्योंकि जिस तरीके से नवाब मलिक साहब ने आर्यन खान जो कि ड्रग केस में लिप्त पाया गया था, शाहरुख खान का बेटा, जिस तरीके से उन्होंने उस केस को हैंडल किया और बड़े बड़े नेताओं का उसमें वो नाम उजागर कर रहे थे, नाम हमें ले लेना चाहिए कि देवेंद्र फडणवीस का भी नाम उन्होंने उछाला था कि देवेंद्र फडणवीस को भी वो सरेआम इस चीज़ के सबूत देंगे कि उन्होंने किस तरीके की घपलेबाजी की है, और उनकी बीवी तक का उन्होंने नाम लिया था। उसके बाद अभी संजय राउत साहब जो कि बहुत ही बड़े लीडर हैं शिवसेना के, उन्होंने बोला था कि बस कुछ ही दिनों में हम कुछ बीजेपी नेताओं को जेल में डालने वाले हैं। तो आपको नहीं लगता है कि कुछ ऐसा समीकरण बन गया है कि बीजेपी ने पहले ही एनसीपी के बड़े नेता को जेल में डाल दिया गया, और इससे बदले की कार्रवाई आपको नहीं लगती? देखिए, असल में आर्यन खान तो कुछ था ही नहीं, सीधी बात यह है कि समीर वानखेड़े का मामला था। अब समीर वानखेड़े जो कुछ कर रहा था, जिस तरह से वो लोगों को पकड़ पकड़ के, उससे पहले भी कुछ, आर्यन खान पहला नहीं था, उससे पहले भी फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों को उन्होंने पकड़ा और उनसे जो है उन लोगों ने पैसे ऐंठे, तो ये एक रैकेट चल रहा था, और ये रैकेट चलते चलते इस पोजिशन में आ गया कि जब आर्यन खान गिरफ्तार हुआ। लेकिन उस टाइम में इनसे गलती ये हो गई कि इन्होंने बीजेपी के सपोर्टर्स की मदद से उसको पकड़ लिया, और मलिक ने, नवाब मलिक ने जो काम किया उसने ये प्रूव कर दिया कि भाई ये जो लोग इसको पकड़ के ले जा रहे हैं वो कोई पुलिस वाले नहीं है, वो बीजेपी के कार्यकर्ता बल्कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता था, उसमें से एक पूना का था, एक गुजरात का था। तो अब ये है कि इससे ये बात समझ में आ गई, बाद में ये भी पता चला कि वो लोग जो है गुजरात के एक होटल में बैठ के प्लान करते थे और मीटिंग करते थे वगैरह वगैरह, कि ये जो कुछ भी हो रहा था लोगों से पैसे निकालने का काम, ये सरकारी संरक्षण में हो रहा था, बीजेपी के लोग इसमें इन्वॉल्व थे। तो यहाँ से जो है वो बीजेपी के रडार पे आ गए नवाब मलिक। नवाब मलिक
अच्छा उससे पहले यह था कि नवाब मलिक के दामाद को इन लोगों ने 8-9 महीने पहले पकड़ा था, लेकिन नवाब मलिक ने उसको इशू नहीं बनाया। उसने कहा कि भाई देखो मेरा दामाद बेकसूर है, लेकिन जो भी कानून फैसला करेगा वो फैसला मैं मान लूंगा। तो 10 महीना जो है वो गिरफ्तार रहने के बाद वो उसका नाम भी समीर खान इत्तेफाक से वो जो है वो बाहर आया। लेकिन जब ये मामला आया तो नवाब मलिक ने जो है इसके चीथड़े उड़ा दिए। तो इसके बाद से जो है दो बातें हो गई। एक तो ये कि वो जो डिपार्टमेंट था ईडी, उनको भी ये लगा कि यार इस आदमी ने तो हमको एक्सपोज कर दिया, तो अब तो हम कुछ भी काम करेंगे तो ये हमको एक्सपोज कर देंगे। तो उनके अंदर भी बदले की भावना थी, जिनके आशीर्वाद से वो लोग काम कर रहे थे उनके अंदर भी बदले की भावना थी। और एक चीज़ और भी है, आप ये देखें कि ये जो अगाड़ी है MVA, इसमें 3 पार्टी है। एक पार्टी है शिवसेना, दूसरी पार्टी है कांग्रेस और तीसरी है NCP। तो जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस तो BJP के साथ आ नहीं सकती, इसलिए कि उसका तो अंत हो जाएगा, खत्म हो जाएगी। अब बची शिवसेना। शिवसेना BJP के साथ थी और अलग हो गई, तो शिवसेना को दोबारा साथ लेना ये BJP के लिए एक जरा मुश्किल का काम है, मतलब उसकी नाक नीचे हो जाती है। दूसरी बात यह है कि उन लोगों ने शिवसेना के लीडर को जो है वो चीफ मिनिस्टर बना दिया, अब उसको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तो नहीं बना सकते, उसके लिए तैयार ही नहीं होगा। तो अब अगर देवेंद्र फडणवीस दोबारा अपनी सत्ता में आना चाहते हैं तो उनके पास एक ही चॉइस है, वो चॉइस ये है कि NCP पे दबाव डालो और NCP MVA से निकले और NCP जो है वो बाहर से या अंदर से जैसा भी है वो BJP को सपोर्ट करे तो देवेंद्र फडणवीस सरकार में आ सकते हैं। तो इसीलिए आप ये देखेंगे कि इससे पहले जो होम मिनिस्टर को इन्होंने पकड़ा देशमुख, अनिल देशमुख, उसका ताल्लुक भी उनका ताल्लुक NCP से था। उससे पहले जो ED की नोटिस निकलती है अजीत पवार के खिलाफ, एक मरतबा तो इन्होंने शरद पवार के खिलाफ भी निकाल दिया। तो ये लोग ये सोच रहे हैं कि अगर NCP को दबाव डाल के हम MVA से अलग करने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारी सरकार बन जाएगी। ये इसका एक एंगल है। एक एंगल तो ये है कि उसने इनको एक्सपोज किया, एक एंगल ये है कि ये पॉलिटिकल फायदा ये NCP को अलग करके उठा सकते हैं या उठाने की सोचते हैं, तो ये भी एक एंगल है। लेकिन इसके अलावा भी इसमें जो है वो बहुत सारे एंगल हैं जिसकी वजह से नवाब मलिक को पकड़ा गया। नवाब मलिक साहब को जो विशेष टारगेट किया गया है, आपको नहीं लगता है कि ये उनके बोलने की वजह से है कि जिस तरीके से उन्होंने पूरी सिचुएशन को हैंडल किया और डायरेक्टली उन्होंने देवेंद्र फडणवीस और उनकी वाइफ और BJP को निशाना बनाया ताकि एक सबक दिया जा सके उन दूसरे लीडर्स को जो सीख सकते हैं सबक नवाब मलिक से कि इस तरीके से BJP को टारगेट नहीं करना है या BJP नेताओं को टारगेट नहीं करना है और उनको रास्ते से हटा दिया जाए और दूसरे लीडर्स को एक सबक दिया जाए, इसके लिए नहीं, मैं इसको ऐसा नहीं समझता। इसलिए कि आजकल जो हमारे देश में जो पॉलिटिकल कल्चर है इसके अंदर लोगों के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाना ये कोई बुरी बात नहीं रही, इसलिए कि बड़े बड़े शीर्ष नेता जो है भारत के ये एक दूसरे पर जो है वो ऊँचे इल्ज़ाम लगाते हैं, घटिया इल्ज़ाम लगाते हैं। तो इस वजह से ये लोग इस तरह की बातें खुद भी बोलते हैं और इस तरह की बातें सहन कर लेते हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये वजह नहीं है, बल्कि इसका तो संबंध मुझको UP से लगता है। अरे यूपी इलेक्शन पे, यूपी इलेक्शन से इसका संबंध है। इसकी कई वजह, एक वजह तो ये है कि नवाब मलिक जो है वो यूपी से आते हैं पहला जी, यूपी के से, और उनकी वैसे तो पूरी जिंदगी बचपन में आ गए थे मुंबई, लेकिन ये कि भाई यहाँ नवाब मलिक के ऊपर उत्तर प्रदेश का टैग है। दूसरी बात आप ये देखें कि हरदोई के बाद से जिस तरफ मोदी जी ने पूरे इलेक्शन को टर्न किया है वो क्या है कि भाई अहमदाबाद का जो है वो ब्लास्ट का फैसला आया। आप देखें 2008 में 11 ब्लास्ट हुए, खाली एक ही ब्लास्ट का फैसला आया, और अभी तक जितने ब्लास्ट हुए हैं हिंदुस्तान में, यानी आप समझ लें कि 40-50 से ज़्यादा ब्लास्ट हुए हैं, उनमें किसी को जो है वो किसी ब्लास्ट में, इससे ज्यादा लोग जो है ब्लास्ट में मारे गए, लेकिन कभी 38 लोगों को फांसी, 11 लोगों को उम्र कैद, ऐसा तो कभी नहीं हुआ थोक के हिसाब से, पहली बार थोक के हिसाब से। जबकि आप ये देखें कि गुजरात में इतना बड़ा दंगा हुआ उसमें 2000 लोग मारे गए और वो उसमें सभी लोग छूट गए,
और यहां पर जो है ये फांसी। तो ऐन इलेक्शन के बीच में एक दिन ये फैसला आता है, अगले दिन मोदी जी जो है वो हरदोई में जाके उसका उल्लेख करते हैं और उसको कैपिटलाइज करते हैं और उन बमों को साइकिल से जोड़ देते हैं कि साइकिल पे बम फट रहा था। यानी आप इसे एक तरफ तो मुसलमान जो है वो आतंकवादी है ये एंगल दे रहे हैं, दूसरी बात ये कि मुसलमान समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हैं या समाजवादी पार्टी मुसलमानों को सपोर्ट करती है तो वो भी आतंकवाद का समर्थन करती है और उसका निशान साइकिल है। और तो मतलब घुमा फिरा के मुसलमान आतंकवाद और साइकिल से उसको। अब आप यहाँ आए बम्बई में तो यहाँ नवाब मलिक मुसलमान है, दूसरी बात है कि नवाब मलिक को जोड़ा जा रहा है दाऊद इब्राहिम से, तो वो भी जो है वो आतंकवाद का हिसाब किताब है। तो वही बात जो मोदी जी वहां हरदोई में कहते हैं उसी का जो है एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि उसका एक प्रमाण के तौर पे कि हाँ जो मोदी जी ने कहा था वो सही था। लेकिन सवाल ये है कि बम ब्लास्ट कब हुआ था, उसके बाद महाराष्ट्र में कितनी सरकारें थी और उसके बाद पिछली सरकार में भी नवाब मलिक मंत्री थे, इस सरकार में भी नवाब मलिक मंत्री हैं, इसके बीच में फडणवीस की सरकार आई तो फडणवीस ने उसी जमाने में उनको जो है इस कनेक्शन की वजह से उसको जेल में डाल देना चाहिए था नवाब मलिक को, जब आपके पास सत्ता थी तो उस वक्त आपको इसकी ज़रूरत नहीं पेश आई। और आज अचानक जो है वो आपको ऐसा लगता है कि वो उनका रिलेशनशिप था और उसकी वजह से अचानक ईडी ने उनको जेल में डाल दिया। डॉक्टर सन साहब, जो हम बात कर रहे हैं कि बीजेपी जिस तरीके से अपने लोगों को रास्ते से हटाती है, संविधान की बात करती है, अच्छे दिन की बात करती है, लेकिन हम ये देखते हैं कि हमेशा कथनी और करनी में फर्क आता है। एक तरफ नवाब मलिक साहब को वो अंदर कर रहे हैं कि इनके दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध है, दूसरी तरफ बाबा राम रहीम सच्चा सौदा के जो प्रमुख हैं उनको कोर्ट ने सजा दी थी, वो बलात्कार के केस में, हत्या के केस में अंदर थे, अभी उनको जेल प्लस सुरक्षा दी जा रही है। तो ये किस तरीके का बीजेपी का दिखावा है कि एक तरफ आप बात करते हैं आतंकवाद से लड़ने की, दूसरी तरफ आप जो है एक बलात्कारी को और एक हत्यारे को जेल प्लस सुरक्षा देते हैं। तो वाकई में हमेशा बीजेपी क्यों ऐसा चेहरा अपना प्रस्तुत करती है कि कहने के बाद कुछ और करने के बाद कुछ और, अंदर से सब ढील पोल और कुछ भी नजर नहीं आता। देखिए बाबा राम रहीम से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। जब देवेंद्र फडणवीस यहाँ के मुख्यमंत्री थे उस वक्त देवेंद्र फडणवीस ने दाऊद इब्राहिम से रिलेशनशिप का इल्ज़ाम जो है वो नवाब मलिक पे नहीं लगाया बल्कि एकनाथ खड़से पे लगाया। देवेंद्र फडणवीस ने इल्ज़ाम लगाया, देवेंद्र फडणवीस जो है वो महाराष्ट्र के सीएम थे, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर के अंदर में पुलिस आती है और पुलिस डिपार्टमेंट ने यह कहा कि इनके घर से जो है वो दाऊद इब्राहिम को फोन गया है और ये दाऊद इब्राहिम के कांटेक्ट में है। उसके बाद में देवेंद्र फडणवीस ने उस इल्जाम को इतना सीरियस लिया कि उसने सबसे पहले तो एकनाथ खड़से को बोला कि तुम अपना रिजिग्नेशन दो और इस तरह से रिजिग्नेशन लेने के बाद एकनाथ खड़से पे एक और इल्जाम लग गया वो जमीन घोटाले का और उसका पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर दिया गया। उनको खामोश करने के लिए उनके उनकी बहू को टिकट दिया गया पार्लियामेंट का लेकिन उनको असेंबली का टिकट नहीं दिया गया। आज वो आदमी जो है वो एनसीपी में बैठा है। तो दाऊद इब्राहिम के कनेक्शन का फायदा तो पहले फडणवीस ने अपने ही जो पार्टी के अंदर जो कॉम्पिटिटर है जो 40 साल जिसने बीजेपी की सेवा किया, अपनी पूरी जवानी जिसने इस पार्टी को लगाया, उसके ऊपर इन्होंने दाऊद इब्राहिम का इल्जाम लगा के उसका ही कांटा निकाल दिया। तो बहरहाल नवाब मलिक तो बीजेपी के नहीं है, वो तो इनके सहकारी नहीं रहे उन्होंने बीजेपी के लिए। तो अगर नवाब मलिक को इसका जरिए से नुकसान पहुंचाया जाता है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। अब आपका दूसरा सवाल राम रहीम का, राम रहीम के ऊपर में जो है वो हत्या का आरोप खुद बीजेपी सरकार के दौरान लगा, ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने उनको जबरदस्ती फंसाया, और रेप का भी आरोप लगा और उसके सारे सबूत आए। और खाली आरोप नहीं लगा, एक चीज़ तो ये है कि भाई आरोप तो इस पर भी लग गया, नवाब मलिक पे भी लग गया, लेकिन उसको तो सज़ा मिली, यानी अदालत ने माना कि उसने वो जुर्म किया है और उसके बाद उसको जेल में डाल दिया गया। अब आप ये देखिए कि पिछले साल हरियाणा की सरकार उसको पेरोल पे बाहर आने की इजाज़त देती है और जब वो पेरोल पे बाहर आता है तो उसको सिक्योरिटी दी जाती है। अभी जेड प्लस नहीं, उस वक्त तो जेड प्लस नहीं दी गई थी अभी, लेकिन सिक्योरिटी दी गई थी।
अब इस बार जो है वो पंजाब में बीजेपी की हालत बहुत खराब है, इसलिए कि 35 साल से श्रोमणी अकाली दल के कंधे पे सवार हो के बीजेपी पंजाब में इलेक्शन लड़ती रही और इतने सालों तक उसके ऊपर डिपेंड हो के कुछ अपने एमपी जिता लिए, कुछ एमएलए जिता लिए, लेकिन ये अपनी जड़ों को मजबूत नहीं कर सकी, वहाँ के लोगों का विश्वास नहीं प्राप्त कर सकी। अब जब किसानों की जो आंदोलन चला तो श्रोमणी अकाली दल ने इनसे अपना रिश्ता तोड़ दिया और श्रोमणी अकाली दल का रिश्ता टूटने के बाद बीजेपी एकदम से यतीम हो गई, आप समझ लीजिए। तो फिर इनको सहारा मिला कैप्टन अमरेंद्र सिंह का, जिनको के कांग्रेस ने हटाया और इन्होंने उसको गले लगाया। जब वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे तो बीजेपी जो है वो सुबह शाम उनको बुरा भला कहती थी। अब वो क्योंकि बीजेपी में, अब वो बीजेपी में आए नहीं, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई। अच्छा। लेकिन उस पार्टी ने बीजेपी के साथ अलायंस कर लिया तो उसके सारे गुनाह जो है अलायंस कर लिए, बीजेपी में आ जाए, बीजेपी अगर करीब तक आप आ गया तो उसके वो जो है वो जैसा अभी उससे संजय राउत ने कहा कि वॉशिंग मशीन में धुल के, क्योंकि वॉशिंग मशीन में जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन है उसमें गंगा जल घूमता है तो उससे बाहर आता है, एकदम पवित्र हो गया आदमी। तो अब बीजेपी की हालत जो है वो बहुत खराब है। कुछ लोगों का तो ये भी ख्याल है कि शायद बीजेपी अपना खाता ही नहीं खोल सके। ऐसे में बीजेपी के लिए एक एक वोट इम्पॉर्टेंट है और ये जो डेरा सच्चा सौदा है इसके 40 लाख वोटर्स हैं और आप जानते हैं जो कल्ट होता है उसके अंदर कोई आदमी कुछ अपना दिमाग नहीं सोचता, यानी अगर उनके जो लीडर है और जो उनका गुरु है उसने जिसका नाम जिस पार्टी को सपोर्ट करने की बात कर दी तो सब लोग आंख बंद करके उसको सपोर्ट कर देते। तो इन्होंने जो है वो उसके साथ उसका सपोर्ट लेने के लिए उसको बाहर लाए, उसको जेड प्लस सिक्योरिटी दिए। अब वो भी बाद में डर गया तो उसने ये कहा, वो जो उनका मैसेज है कि भाई कमर पे निशान लगाओ या तराजू पे निशान लगाओ, यानी जो तराजू किसका, अकाली दल का। अच्छा अच्छा तो क्योंकि उसको मालूम है भाई आज निकल ये लोग तो आने वाले है नहीं, तो ऐसा ना हो कि भाई हमारे लिए मुश्किल हो जाए, तो उसने तराजू का भी नाम ले लिया और शायद कहीं पे उसने कांग्रेस का भी हिंट दिया है। लेकिन क्लियर मैसेज ये है कि फूल पे, कमल नहीं बोल रहे, फूल पे लगाओ, मतलब ये बीजेपी इसके चेहरे को आगे करके वहां पे इसके जो भक्त वगैरह हैं उनके वोट हासिल करके अपनी इज्जत बचाना चाहती है और ये चाहती है कि सर दो चार सीटों का आदान प्रदान। वही कुछ लोग तो यहाँ तक लिखने लगे हैं कि अगले इलेक्शन में अगर गुजरात में बीजेपी की हालत खराब होगी तो आसाराम बापू हो सकता है होगी कि आने वाले इलेक्शन में हो सकता है मैं भी बाहर आ जाऊँ। सर साहब इलेक्शन पे भी हम आ गए हैं तो यूपी का चौथा चरण खत्म हो चुका है, क्या लग रहा है किसी गवर्नमेंट बनने जा रही है? वोटों का जो प्रतिशत आ रहा है, गांव की वोटिंग हो रही है, शहरों में जो वोटिंग प्रतिशत आ रहा है, इसे देख के क्या लगता है कि क्लियर एंटी इनकंबेंसी चल रही है? योगी साहब अपना लोटा वगैरह लेकर के जा रहे हैं गोरखपुर? देखिए ये इत्तेफाक की बात है कि यूपी में इलेक्शन का जो 7 चरण है तो पहला चरण जो है वो वेस्टर्न यूपी से शुरू हुआ और जो वेस्टर्न यूपी में जिस इलाके से शुरू हुआ वहाँ पर जो है उसको जाट लैंड कहते हैं। अब वहाँ पर किसान आंदोलन का सबसे ज़्यादा प्रभाव था, ये भी एक हकीकत। दूसरी बात है कि वहाँ के किसान जो है वो गन्ना उगाते हैं और उनके ऊपर सरकार के ऊपर हजारों करोड़ रुपया बाकी है। सरकार ने वादा किया था कि 15 दिन के अंदर सब चुका दिया जाएगा, लेकिन अभी तो पूरी 5 साल हो गए और उनका बहुत पैसा बाकी है। तो एक तो वो मुश्किल था, लेकिन इनको ये उम्मीद थी क्या मुजफ्फरनगर के फसाद का और दंगे का याद दिला के जाटों को फिर से अपनी तरफ बहुत कोशिश कर रहे हैं याद दिलाने की, मुजफ्फरनगर जाके बल्कि आग लगा देंगे, आग लग जाएगी वगैरह वगैरह। लेकिन हुआ ये कि जाटों ने इस बार जयंत चौधरी के साथ ये फैसला किया कि वो मुसलमानों से लड़ाई नहीं करेंगे। इवन इसमें राकेश टकैत का भी बहुत बड़ा हिस्सा है कि उन्होंने ये नफरत की दीवार खत्म कर दी, उन्होंने कहा जो होगा सो होगा, अब आगे की सोचो, अल्लाह अकबर और हर हर महादेव सब नारे लगे जी। अब उसके बाद यानी समझो आप इनका ओपनिंग जो बैट्समैन था वही जो है वो जीरो पे आ गया, क्योंकि इससे पहले जो 2017 में जो इनकी गवर्नमेंट बनी है सबसे ज्यादा सीटें इनकी उसी जाट लाइन से ही आई थी। देखो 2017 नहीं, 2014 में, उससे पहले बीजेपी वेस्टर्न यूपी में नहीं थी, लेकिन 2013 में वो दंगा हुआ, 2014 में बीजेपी को जबरदस्त कामयाबी मिली।
उसके बाद 2017 में मिली, उसके बाद 2019 में मिली। तो ये लोग जो है, अगर अभी भी किसान आंदोलन नहीं चला होता तो इतनी इनकी खराब हालत नहीं होती। किसान आंदोलन ने इस बीजेपी को किसानों के सामने पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया और उनको ये भी रियलाइज हो गया कि अगर हम जो है वो उसी इनकी लाइन पे चलते रहेंगे और आपस में लड़ते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे तो हमारा इसी तरह से जो है वो शोषण होता रहेगा। तो अभी शोषण से निकलने के लिए पहली चीज जरूरी है कि जिनसे ये लोग हमको लड़ाते हैं उनसे दोस्ती करो। तो इनका जो पहला ओपनिंग बैट्समैन था वेस्टर्न यूपी का, वो खलास हो गया, जयंत चौधरी ने जो उसको क्लीन बोर्ड कर दिया। उसके बाद दूसरा इत्तेफाक से ऊपर का इलाका था रोहिलखंड का इलाका, वो मुस्लिम बाहुल इलाका, यानी मुसलमानों का सबसे ज्यादा, वहां तो दो कॉन्स्टिट्यूएंसी 50% से ज्यादा, उसके अलावा भी बहुत डोमिनेंट है वहां पे, रामपुर आजम खान का एरिया वो सब उसी में आता है। अब उसमें भी ये लोग जो है वो कुछ कर नहीं पाए, सहारनपुर गए थे मोदी जी, लेकिन ये कि उसी दौरान ही इनका आया था गर्मी निकाल दूंगा शिमला बना दूंगा। हाँ, उसी के उससे पहले आया था। अच्छा। पहले के पहला जो चरण का चुनाव हुआ उससे पहले योगी जी ने ये बात कही थी कि हम जो है वो गर्मी निकाल देंगे शिमला बना देंगे, लेकिन जयंत चौधरी ने ये किया कि अपने जाटों को समझाया कि भाई देखो ये तुम्हारी गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं, और वो जो दांव था वो उल्टा पड़ गया पड़ गया। उसके बाद में फिर अमित शाह ने जो है वो जयंत चौधरी को अपने करीब करने की कोशिश की कि गलत जगह चले गए हो, हमारे यहाँ आ जाओ। तो जयंत चौधरी ने उसका जवाब दिया कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूँ कि भाई इधर से उधर जाऊँगा। तो इस तरह से वो दांव भी उल्टा पड़ गया। तो अब उसके बाद जो दूसरा चरण था उसके अंदर भी आप अगर वोटिंग का ट्रेंड देखें तो जो मुस्लिम बाहुल एरियाज हैं जैसे ऊपर का शामली का एरिया, वहाँ पे जो है वो 70% वोट होता है, और आप इधर नीचे आए नोएडा वगैरह में तो यहाँ मुसलमानों की आबादी बहुत कम है, तो वहाँ पे परसेंटेज ऑफ वोट कम हो जाता है। तो इससे भी एक एक अंदाज़ा मिलता है कि कौन लोग जो है वो वोट जोश व खरोश से दे रहे हैं और कौन लोग जो है वो मायूस बैठे हुए। सलीम साहब, जिस तरीके की ये लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, गर्मी निकाल देंगे शिमला बना देंगे कठमुल्ले साइकिल आतंकवादी, उससे नहीं लग रहा कि फ्रस्ट्रेट हो गए हैं काफी और इनको लग रहा है कि वाकई में ये हारने जा रहे हैं इसीलिए भाषा का इस्तेमाल दिन ब दिन गिरता चला जा रहा है? नहीं, देखिए असल मसला ये है कि ये इनकी ओरिजिनल लैंग्वेज। अच्छा, आपने देखा होगा एक बार एक वीडियो बना रहे थे मोदी जी योगी जी तो उन्होंने गाली दे दी, गाली दे दी, और वो इत्तेफाक से जो है वीडियो में जा गई। तो इनकी जो नॉर्मल भाषा है वो ये है, लेकिन पहले जब कंफर्टेबल रहते थे तो ये एक्टिंग करते थे, ये अच्छी जबान आके पब्लिक के सामने माइक के सामने कैमरे के सामने करते हैं। हाँ, तो वहां पर जो है वो ये लोग अच्छी बात करते थे, लेकिन आम तौर से वही बात है। अब जब ये लोग जैसा आपने कहा कि फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेशन में जो है वो आदमी अपनी जात पे आ जाता है, जिसको बंबई की जबान में बोलते हैं कि उसका जो ओरिजिनल जो अंदर का चीज है वो बाहर आ जाता है। तो ये तो इनकी भाषा है, आपस में ये लोग ऐसी बातें करते होंगे। क्योंकि अगर इनके कंपैरिजन में हम अखिलेश यादव जी की लैंग्वेज देखेंगे तो बहुत ही लगता है कि कोई पढ़ा लिखा इंसान है, अखिलेश मुख्यमंत्री बात कर रहा है। अखिलेश को ले लो, जयंत चौधरी को ले लो, प्रियंका को ले लो, इवन मायावती जो है वो बहुत ज्यादा नहीं काम कर रही है, लेकिन वो जब भी बोलती है तो वो संभाल के अपने कंट्रोल में बात करती है, ऐसी ऊटपटांग बात नहीं। लेकिन इनका जो मेन प्रॉब्लम जो हुआ है, आप देखें अभी जो मोदी जी की ट्रैक बदली हुई, इनको ये बात समझ में आ गई थी पहले राउंड से जस्ट पहले, जिस वक्त अमित शाह ने ये ऑफर दिया कि भाई अब जाटों को अपने साथ लिए बगैर दाल नहीं गलेगी, लेकिन इनको ऊपर भी ये एक्सपेक्टेशन थी कि वो जो रोहिलखंड का इलाका है उसमें जो है वो मुसलमान, पहले भी समाजवादी पार्टी को अच्छी खासी सीट मिली थी, जब इनकी लहर थी तब भी 12 सीट मिल गई थी, वहाँ भी हम लोग कोई ज़्यादा नहीं कर सकेंगे, लेकिन इनको उम्मीद थी ज़्यादा बुंदेलखंड से। अच्छा, कि जब हम बुंदेलखंड में आएंगे और जो है तो वहाँ पे हम अपना जोर दिखा देंगे। बुंदेलखंड के साथ जो है वो यादव बेल्ट लग गया, जिसको आलू बेल्ट कहते हैं, ये गन्ना बेल्ट है वो आलू बेल्ट है। अब वहां पर भी इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि बुंदेलखंड में जो ये लोग सोच रहे थे कि हम अपना जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर लेंगे, वो नहीं हो सका, इसलिए कि वहां दलित वोट बहुत है। और आप ये देखें कि हाथरस का एरिया उसी जगह, तो हाथरस में इन लोगों ने क्या किया, और यूपी के ओवरऑल बहुत
योगी के हाथरस के केस को कांग्रेस और सपा ने अभी तक की बचा के रखा हुआ है या उसको मरने नहीं दिया है उस मुद्दे को, बीच बीच में उसको रहते हैं कांग्रेस खासतौर से, क्योंकि अभी जो कुछ दिखाई देता है वो ये है कि अखिलेश जो है वो दलित वोट की तरफ फोकस नहीं कर रहा है। लेकिन क्या दलित वोट भी ऐसा ही है जैसे आम इंडियन का वोट होता है कि जब वो देखता है कि एक तरफ हवा चलती है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई आप ऐसे कैंडिडेट को क्यों जिताना जो हारने वाला है, तो फ्लोटिंग वोट जिसको आप कहते हैं। तो ये जो बीच वाला एरिया है बुंदेलखंड का और ये जो मैनपुरी वगैरह का एरिया, इटावा का एरिया है जो कि यादव एरिया है, इसमें भी ये लोग को सेटबैक हुआ। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, अब देखिए पिछली बार चाचा भतीजे एक दूसरे के खिलाफ थे लेकिन इस बार साथ में, इस बार दोनों साथ में, तो ये बहुत बड़ा चेंज है कि पहले यादव वोट जो है वो बांट रहा था। दूसरी बात ये है कि इससे पहले मुस्लिम वोट भी जो है वो पीएसपी और एसपी में बांट रहा। अब जो है मुसलमान सब समाजवादी पार्टी की तरफ, यादव जो दो हिस्से में थे वो पूरे के पूरे एक तरफ, तो इसने जो है वो पूरा समीकरण जो आलू बेल्ट है उसके अंदर चेंज कर दिया। अब चौथा आया, अब देखिए इनकी तकदीर ऐसी है कि पहले उसमें वो जाट आ गए, दूसरे उसमें मुसलमान आ गए, तीसरे में यादव आ गए, चौथे में जो अवध का एरिया था तो अवध के साथ लखीमपुर खेरी आ गया, वहां पर भी इन्होंने और लखीमपुर खेरी में गाड़ी चला दिया। हालांकि ये जो एरिया है इसके अंदर सबसे ज्यादा ब्राह्मण वोट, लेकिन ब्राह्मण भी इस पर नाराज हैं काफी, तो ब्राह्मणों को इन्होंने नाराज किया विकास दुबे, और वो आपने उसका बयान पढ़ा होगा बीएसपी के जो लीडर है, उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा जुल्म जो है वो इस सरकार ने किया, ठाकुरों ने किया, 500 लोगों को मार दिया, अब उसमें कितनी सच्चाई है ये नाम नहीं जानते, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये पब्लिक में इल्जाम लगाया। तो ब्राह्मणों के अंदर भी जो है वो अब लखीमपुर खीरी में आप देखिए 71% वोटिंग हुई है, इसका मतलब है कि वो लोग तो इनको सवा अच्छा। और एक बात और है, आप देखें कि जो होम मिनिस्टर है, डेप्यूटी होम मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स टैनी, वो वोट देने गया तो उसके आसपास दुनिया भर की सिक्योरिटी, यानी हैरत की बात है कि अगर आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में फ्रीली जाके वोट नहीं दे सकते तो फिर ये कि आप हिंदुस्तान के सारे लोगों को कैसे सिक्योर करेंगे, आप खुद तो जो है वो सिक्योरिटी ले लेंगे, जनता को कहां से सिक्योरिटी मिलेगी। तो आप ये देखेंगे इनको अभी तक ये चारों जगह पे, और ओबीसीज में भी एक उम्मीद थी इस बार कि भाई मौर्य साहब को पिछली बार जो है वो नहीं बनाया गया, लेकिन अब बनाया जाएगा, इसलिए कि योगी ने जो है वो ठीक से काम नहीं किया, काफी डैमेज, और उसने जो है वो कोरोना के जमाने में बहुत कमजोर रहा, और फिर ये कि उसकी वजह से वो एक मौर्य तो निकल के चला ही गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य। तो अब बाकी जो मौर्य थे या जो ओबीसी थे वो इस उम्मीद में थे कि बीजेपी जो है उससे सबक लेगी, और सबक लेके कम से कम इस बार योगी को नहीं बनाएगी, केंद्र में मंत्री बना देगी, और हमारे केशव प्रसाद मौर्य को जो है वो चीफ मिनिस्टर बनने का मौका मिलेगा। लेकिन मोदी जी ने कह दिया कि आएगा तो योगी, फिर से एक रही, अब उनको अब पब्लिक को लग रहा है कि अब योगी ही आएगा, और अगर अब ये कहने के बावजूद मोदी योगी को नहीं बनाते हैं तो फिर उसका भी उसका खमियाजा उनको 2024 में भगतना पड़ेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब, बहुत अच्छा विश्लेषण किया आपने, यूपी के चुनाव पर भी हमने बहुत अच्छी बात की और नवाब मलिक साहब के बारे में भी हमने डिटेल में बात की। तो वीवर्स, ये था हमारा विशेष प्रोग्राम डॉक्टर सलीम खान साहब के साथ। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइए। किसी अन्य मुद्दे के साथ हम आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।